नरवल के पूर्वा मीर में प्रयागराज नेशनल हाईवे ओवरब्रिज में पुलिया न बनने से क्षेत्रीय ग्रामीण नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि चकेरी से प्रयागराज तक नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है। नेशनल हाईवे के निर्माण कराने के लिए पीएनसी कंपनी ने ठेका लिया है। हाईवे के निर्माण कार्य में जगह जगह पीएनसी कंपनी के कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। हाईवे के निर्माण कार्य में लापरवाही करने का पीएनसी कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने कई बार पीएनसी कर्मचारियों में लापरवाही का आरोप लगाते हुए व समस्याओं को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समाधान ज्यों का त्यों बना रहा। आपको बता दें कि पूर्मावीर के पास नेशनल हाईवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए पुलिया के निर्माण नहीं किया जा रहा, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। दर्जनों ग्रामीण शिकायत लेकर पूर्वामीर ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह गौतम के पास पहुंचकर समस्या से अवगत कराया। वहीं डोमनपुर गांव में तिलक समारोह में शामिल होने आए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से भी पूर्वामीर के ग्रामीणों ने की पीएनसी कंपनी की मनमानी की शिकायत। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बीच से पुलिया न बनने से कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर नेशनल हाईवे को पार करना होगा। क्षेत्र किसानों के मुताबिक नेशनल हाईवे के एक ओर किसानों के खेत हैं तो दूसरी ओर घर, ऐसे में कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर खेतों में जाना पड़ेगा, जिससे तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दर्जनों शिकायतों के बावजूद पीएनसी कंपनी ने ग्रामीणों को सिर्फ छोटा आश्वासन दिया है। किसानों ने कहा यदि सुनवाई नहीं होती तो पीएनसी कंपनी के कार्य को रोक दिया जाएगा तथा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन। क्या नाम है? हमारा नाम शिखर सिंह है, मैं ग्राम पूर्वामीर का रहने वाला हूँ। सुबह 9 बजे से अनवरत यह धरना का कार्यक्रम जो है इस पूर्वामीर ग्राम सभा में एक छोटे से ओवरब्रिज या ये मान लीजिए पुलिया के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने किया है। जनप्रतिनिधि के रूप में अभी तक ना ही यहाँ से किसी क्षेत्रीय विधायक ने या क्षेत्रीय सांसद ने कोई भी मदद नहीं की। यहाँ पर केवल प्रधान की अध्यक्षता में सैकड़ों ग्रामीण 5 घंटे से अनवरत अनशन के रूप में बैठे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन का सहयोग मिला है, लेकिन अभी किसी भी क्षेत्रीय नेता के द्वारा यहाँ आश्वासन नहीं दिया गया। समस्या जो है वो किसान की है। किसान गांव की 2000 बीघे करीब इस साइड खेती पड़ती है, जिससे किसान त्रस्त हो जाएगा। और अगर हमको अंडर पासिंग नहीं मिलती है तो किसान उधर जाएगा तो 500 गज जाएगा, इधर जाएगा तो 4 किलोमीटर जाएगा। किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों को सोसाइटी भी इधर है, बम्बा का पानी भी इधर है, इसलिए बड़ी दिक्कतों का सामना है करना पड़ रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी समस्या के जल्द जल्द कोशिश करके अंडर पास के लिए मुआयना करवाया जाए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे धरना पर दर्शन लेके बैठ जाएंगे, जब रहता है मेरे प्राण निकल जाए। हमारा नाम विनोद सिंह। ये जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें डिमांड क्या है, मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि हम लोगों के ग्रामीण के रहने वाले पूर्वामीर के हमारी 900 बीघा जमीन इधर है, सोसाइटी अस्पताल बम्बा नहर, हमारे छोटों बच्चों के लिए स्कूल आने जाने की व्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। उनको 4 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, किसी का गार्जियन है वो नौकरी गया है, बच्चे स्कूल जाएंगे जूनियर प्राइमरी में, तो हमारे रोड इस पार है, हमारे बच्चे किस तरीके जाएंगे? हमारे जानवर तड़प के मर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि पीडी हमें हमारी जनता में बैठक करें, मीटिंग करें, हमको छोटा सा अंडर पास की ज़रूरत है। तो आप लोग धरना प्रदर्शन कैसे खत्म करेंगे? क्या हम प्रदर्शन खत्म करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन से जो ग्रामीणों के द्वारा लागू की गई है कि सर्वप्रथम पुलिया का निर्माण जब चालू हो जाएगा उसके बाद ही ओवरब्रिज का निर्माण चालू होगा। जब तक पीजी और ये नीचे के अधिकारियों से हम बात मानेंगे नहीं, पीजी के द्वारा जब तक लिखित में हमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब लोग याद हटेंगे नहीं, चाहे मेरे प्राण चले जाए। ये पीएनसी की कंपनी अधिकारी है, इन्होंने कहा कि अगर आप प्रशासन को यहाँ मौके पे बुलाना है तो आप नेशनल हाईवे को जाम कर दीजिए, मतलब एक उग्र भाषण दिया जा रहा है ग्रामीणों के बीच। अच्छा, पीएनसी कंपनी के द्वारा अधिकारी कह रहे हैं कि आप हाईवे जाम करिए, प्रशासन तुरंत आ जाएगा। अच्छा, हाईवे जाम करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इतने अभी बुद्धिमान है कि वो अपने बुद्धि पर, हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें किसी भी प्रशासन से कोई लेना देना नहीं, झगड़ा हम लोगों की एक छोटी सी डिमांड है कि हमें एक अंडर पास चाहिए, बस उसी चीज़ से हम लोग संतुष्ट हैं।